तो हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है, और उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। दैट इज द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। राइट, नाउ अब हमें बताना है कि अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, चलो एंगल बी भी 90 डिग्री ले लिया, ठीक है, और एंगल सी कोई भी हमने ले लिया 45। राइट, सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम इन तीनों एंगल्स का सम निकालेंगे। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 प्लस 45, दैट इज 180 इन दोनों का सम प्लस 45 विच इज 225। बट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो तीन एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा, बट अगर हमने ट्रायंगल में दो 90 डिग्री एंगल ले लिए तो हमारे पास जो उनका सम है वो 180 से बड़ा है। राइट, सो ट्रायंगल में हमेशा एक ही 90 डिग्री एंगल पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट इन अ ट्रायंगल ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल।